अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आई एम सॉरी रूही, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर ट्रस्ट मी, इस पर मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आई हूँ। प्लीज तुम तो मुझे एक मौका दे दो, प्लीज। अग्नि, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। चाहती तो मैं भी नहीं कि तुम इस घर में रहो, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मैं तुम्हें अपने नजरों से दूर करके अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे दादी के फैसले को मानना पड़ेगा। जेल की तलवार भले ही मेरे गर्दन से दूर हो गई हो, लेकिन घर से निकाले जाने का खतरा अभी भी मेरे सर पे मंडरा रहा है। मुझे कुछ भी करके घर वालों की नजरों में अपनी जगह बनानी ही होगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना गुजरना पड़े। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे बच्चे को चल सुंदरा जी ही देंगे। इस फैसले में मैं रूही के साथ हूँ। नाहर जी का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, उनके लिए इन हालातों से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे उन्हें समझना होगा। जानती हूँ नाहर जी, आपके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। अग्नि की सच्चाई जानकर जितना गुस्सा आपको आ रहा है उस पर, उतना मुझे भी आ रहा है। लेकिन हाजी, इस वक्त हमें अग्नि के बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए हमें इस कड़वे सच से समझौता करना ही पड़ेगा। हमें अपने बच्चे के खातिर अग्नि को इस घर में रखना ही होगा। रूही, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हर्जी, बात ना करने से बात बदल तो नहीं जाएगी ना। हमारे बच्चे का, उसकी जिंदगी का, उसके भविष्य का सवाल है। उसकी सलामती के लिए हमें बात तो करनी होगी ना। क्या बात करनी है तुम्हें और मैं तुम्हें क्या बोलूं, क्या सुनना चाहती हो तुम? ठीक है, बात करते हैं। मुझे बस एक बात की गारंटी दे दो रूही, अग्नि की कोख में जो बच्चा है, हमारा बच्चा, वो हमेशा सेफ रहेगा। दे दो गारंटी कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खाओ मेरी कसम रूही और मुझे भरोसा दिला कि हमारा बच्चा उसकी कोख में हमेशा सुरक्षित रहेगा, कि तुम्हें तसल्ली हो चुकी है कि वो सचमुच बदल चुकी है। दिलाओ मुझे यकीन, दो गारंटी मुझे, जवाब दो रूही। बात करनी थी ना तुम्हें, कोई जवाब नहीं है ना। एक्चुअली सब मेरी गलती है, हमें ये सरोगेसी करवानी ही नहीं चाहिए थी। रूही,
तुम सरोगेसी को क्यों बीच में लाई? क्या जरूरत थी? हम दोनों खुश थे ना साथ, किसी तीसरे की जरूरत थी क्या? नहीं, क्यों तुम मां बनने के चक्कर में फंस गई? और अपनी बातों से तुमने मुझे भी मना लिया, और मैंने भी भावनाओं में बहकर तुम्हारी बात मान ली। रूही, क्यों वो सपना दिखाया मुझे जो कभी सच नहीं हो सकता था? तुम ही देखो रूही, जिस बच्चे के आने की हमें इतनी खुशी थी, आज उसी की वजह से हम कितने परेशान हैं। वही हमारा परेशानी का कारण बन चुका है। हर्षी बहुत गुस्से में, मुझे उनका गुस्सा शांत करना होगा। कहीं गुस्से में आकर वो कोई गलत फैसला न ले ले जो हमारे होने वाले बच्चे के लिए सही ना हो। काटू जी, हमारे होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा। सुपर से इन लोग का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी में इतनी भूख लगती है, ऊपर से मेरा दिमाग अलग खराब हो रहा है। पहले जब मैं सुंदरा थी तो हर दो दो घंटे पे मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाके देखता रहता था, लेकिन अब तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। काश कोई जादू हो जाए और मेरे आँख बंद करते ही मुझे खाना मिल जाए। प्लीज गो। लट्टू, ये कहाँ से आया? दादी आप? हाँ मैं। क्यों, तुम्हें क्या लगा रूही और नाहर तुम्हारे लिए प्लेट सजा कर लाएंगे? दादी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा। ये सब है ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। ना तुम मार्केट में अग्नि बनकर जाती, ना रूही को तुम पर शक होता, और ना आज ये दिन देखना पड़ता। दादी पर आज नहीं तो कल ये सच तो सामने आना ही था ना दादी? हाँ आना था, लेकिन रूही को घर से भगाने के बाद आना चाहिए था ना ये सब सामने। तुम्हारी गलती की वजह से आज सबको पता चल गया, और जिस तरह से पता चला है ना सबको, सब तुमसे नफरत करते हैं। तुम एक काम करो, तुम ना अपना सामान बांध कर रखो, क्योंकि आज तो मैंने संभाल लिया सब कुछ, लेकिन इस घर से तुम्हारा दाना पानी कब उठ जाए ये कोई नहीं कह सकता। दादी दादी प्लीज कुछ करो ना, कोई तो आइडिया होगा दादी? आइडिया तो बस एक ही है। क्या? प्लीज बोलो ना दादी। तुम्हें घर में सबको बताना होगा, साबित करना होगा कि तुम बदल गई हो। सबसे पहले नाहर को यकीन दिलाना होगा, क्योंकि अगर नाहर मान गया ना तो फिर तुम्हें घर से कोई बाहर नहीं कर सकेगा। अकेले कोई करना पड़ रहा है, कोई नहीं है मेरा हाथ बटाने वाला, सब कुछ खुद से करो। अलग के होते हुए एक उंगली भी नहीं उठाने देती थी मुझे, वो सारा काम खुद से करती थी। और यहाँ नॉलेज का क्या होते हुए? हाँ, अरे कुछ करती ही नहीं है, बस हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती। सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब करो सब करो सब करो। हाँ। इसका अमीर जरूर है, लेकिन सच कहूं तो जब पलक थी तो अमीरों जैसा राज तो मैंने किया था। कुछ तो करना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा।
फोन करो क्या पलक को? देखो तो फोन करके कहाँ है वो? ये पलक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, हाँ, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, हाँ हाँ जरूर आऊंगी, हाँ 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 जरूर जरूर। पलक मेरा फोन नहीं उठा रही है लेकिन अपनी माँ का फोन तो उठाएगी। इस पलक की माँ को किसी तरह से बैठाकर पलक से बात करवाती हूँ। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।